वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो पे दिखाने वाला हूँ विनाइल रैपिंग इस पार्ट में जो फ्रेम होता है और बाकी पार्ट में वाइट ही रहेगा। तो मैं आपको दिखा दूंगा यह कैसे होता है। तो ये करने का बाद अलग ही फील आता है। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे इसका बाद कैसे अलग लुक एक आ जाता है घर पे। ये काम करने के लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ये वॉलपिन का वॉलपेपर है। ये 150 लिया रुपीज़ और 1.5 फुट बाई 5 मीटर है, तो काफ़ी बड़ा है और मैं इसे रैप करने वाला हूँ। तो मैं अभी दिखा दूंगा इसका लुक कैसे आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये रैप कर दिया तो इसका लुक कैसा आ रहा है। पूरा ब्राउन मतलब वुडन फिनिश एक आ गया। यहाँ पे ब्रेक करके रखा, यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रखा, बाद में वीडियो के लिए अलग होगा। किचन में भी है ये सब, देख लीजिए इसका लुक सामने से। तो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ ये काम कैसे होता है। तो ये करने से थोड़ा हार्ड है बट टाइम भी लेता है, और जब फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बाद में आराम से हो जाएगा। तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। दो प्लेट है मेरे पास और मैं ये करके लगा के दिखा दूँगा कि पहले कैसा लगा और बाद में कैसा लगता है। और मैंने फ़ोटो में इंक्लूड कर दिया डिफरेंसेस दोनों का। तो मैं अभी ये करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, ये ऐसे रखना पड़ता है पेपर को, फिर आप साइज मिला लीजिए, फिर काट दीजिए। तो ये जो 6 मॉड्यूलर है वो सेम साइज है, इस साइज में सेम है। तो मैं यहाँ से काट दूंगा डायरेक्ट और शायद यहाँ से होगा। इतना तक काट देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा काट लेने से अच्छा है। फिर यहाँ से और दो पीस शायद बैठ जाएगा, और दो नहीं तो एक ही बैठेगा, एक ही। और ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा गैप रखना पड़ता है। अगर आप थोड़ा गैप रखोगे तो साइज थोड़ा फट जाएगा और पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा गैप रख लीजिए। तो मैं इस लाइन पे कर रहा हूँ, काट देता हूँ। तो काटने के लिए ब्लेड ही काफ़ी है, इतना हार्ड नहीं है काटना इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ। वाइट स्विच ले लिया था गलती से, तो मुझे पता नहीं था कि इसका ब्राउन आता है। और मैंने एक आदमी का घर पे देखा था ऐसे कलरिंग स्विच बोर्ड, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वाइट से। तो मैंने क्या किया, सब में विनाइल रैप कर दिया, तो अच्छा जुगाड़ है। और अगर आप ख़रीदने जाते हो ऐसे कलरिंग वाला तो प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाता है, और
अगर ये आप अच्छा से कर सकते हो, आपके पास हेयर ड्रायर हीट गन वो सब है, तो विनाइल रैप मार दीजिए, वही ज़्यादा बेटर है। एकदम कम मतलब 100 रुपये में आ जाता है 5 मीटर। आप इसको मतलब 3 BHK का 2 फ्लैट में आराम से कर सकते हो। सो गाइस मैं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।